नमस्कार 24 आवर्स स्टूडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पे। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में दो पत्नियों के बीच प्रॉपर्टी विवाद को लेकर युवक की मौत के 7 महीने बाद पुलिस ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए डीएम का आदेश मिलते ही पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को मुकदमे और कब्र से शव निकालने की सूचना दी, जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि यूसुफ की मौत के बाद उसकी पत्नी ने दूसरी महिला पर चाय में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए उनकी प्रॉपर्टी हथियाने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस से लेकर कोर्ट तक की अपनी शिकायत की। कोर्ट ने महिला की शिकायत का संज्ञान लेते हुए थाना इज्जत नगर पुलिस को FIR दर्ज कर मृतक युवक के शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए, जिसके बाद आज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि बीते 26 अगस्त को यूसुफ नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस पर इज्जत नगर थाना पुलिस ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए डीएम से परमिशन के लिए भेजा। क्या मामला है? ऐसा था कि ये मोहम्मद यूसुफ जो है, जिनकी आज बॉडी निकाली गई है कब्र से, ये सैदपुर में दूसरी औरत के साथ रहते थे और एकदम अचानक इनके यहाँ 2:15 रात में फ़ोन आया पहली पत्नी के पास कि वो ख़त्म हो गए। तो ये लोग पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें मतलब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था। तो उसके बाद में उन्होंने बॉडी जो है कब्रिस्तान में दफन करवा दी। उसके कुछ दिन बाद लोगों ने मतलब वहाँ किराएदारों ने इनको बताया पारों को कि तुम्हारे आदमी को चाय में जहर दे के मारा गया। तो उन्होंने थाना इज्जत नगर से संपर्क किया और उसके बाद में वहाँ से जब नहीं कुछ हुआ तो इन्होंने कोर्ट की शरण ली, जहाँ कोर्ट से आदेश हो गए कि बॉडी को निकाल के इसका PM कराया जाए। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने तुरंत जो है इसका आदेश कर दिया और डेड बॉडी आज निकाली गई है। 26/8/2018 इनके 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, पहली पत्नी से जावेद अहमद। एक पारो नाम की लेडीज हैं, पारो पत्नी स्वर्गीय यूसुफ, इनका इंतकाल हुआ है 26/8 में इंतकाल हुआ था। उनका कहना है कि मेरे पति को दूसरी जो जहां वो रहते थे सैदपुर हाकिम से, उनका एक मकान है वहां पर कोई दूसरी लेडीज के साथ रहते थे, तो इनका ये कहना है कि उसने जहर दे के मारा है। अब क्या सही क्या झूठ है ये तो पंचायतनामा भरने के बाद जो आगे कार्रवाई होगी तब देखा जाएगा, PM रिपोर्ट आने के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई। हाँ, कवर से सब जो है निकलवाना है, इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ले ली है। ये पारो की तरफ से FIR का कायम है, मुकदमा अपराध संख्या 115/19 156 माननीय न्यायालय के आदेश से पंजीकृत हुआ है। धारा 302, 201, 420, 467, 468, 471 का मुकदमा पंजीकृत है। मामला इनका विवाद है प्रॉपर्टी का, इसलिए ये मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बरेली से 24 आवर स्टूडियो न्यूज के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट।